राम राम, जय हिंद। आज हम उनकी बात करेंगे जिनको कुछ भी नहीं आता है। हम उनकी बात करेंगे जिनको कुछ भी समझने में दिक्कत होती है या फिर उनको लग नहीं रहा है कि उनका सिलेक्शन हो पाएगा। हम एक काम करने के लिए कह रहे हैं, एसएससी की किसी भी भर्ती को क्लियर ना कर दो तो मेरा नाम बदल देना। सिर्फ एक काम करने कह रहे हैं, बहुत बेसिक सा काम है, तुम लोग कर ले जाओगे। जिनको भी बल्क में अपने सिलेबस को वॉल्यूम में पढ़ने की आदत है, बल्क में पढ़ने की आदत है, सिर्फ एक काम ये कर लो। बस हम तुम्हें बता रहे हैं, तुम्हारी नौकरी की गारंटी मेरी, सिर्फ एक काम कर लो, मेरी गारंटी, हम सच बता रहे हैं। सिर्फ एक काम ये करना है, सिलेबस को ख़त्म करने, सिलेबस तो पढ़ना ही पड़ेगा यार, इतना तो पता ही होगा। एक बार सिलेबस ख़त्म करने के बाद मेरा कहना है, एक मान लो सिर्फ एक काम कर लो, जितने भी क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस बता रहे हैं बस वो प्रैक्टिस कर लो, जितने भी क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस बता रहे हैं वो प्रैक्टिस कर लो। सिलेक्शन तुम छोड़ दो, तुम मॉक में अपने नंबर देख लेना, फिर उसके बाद आना। यहाँ पे प्रैक्टिस सिर्फ कर लो, कितने की हम बताते हैं। सबसे पहला है मैथमेटिक्स। मैथ्स के तुम बस एक काम करो, प्रीवियस ईयर पेपर उठा लाओ, प्रीवियस ईयर पेपर उठा लाओ और वो किताब लाओ जिसमें 6 से लेके 8 हज़ार के बीच में क्वेश्चन हो, जिसमें TCS भी शामिल हो, जिसमें TCS के क्वेश्चन हो, TCS भी शामिल हो, उसके अलावा भी बैंकिंग के भी क्वेश्चन एक दो हो। तो 6 से 8 हज़ार क्वेश्चन तुम मैथ के सॉल्व कर लो। अगर तुम्हें 100 क्वेश्चन एक दिन में सॉल्व करते हो तो टोटल तुम्हें 80 दिन लगेंगे इसको करने में। 8 हज़ार क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन अगर डेली सॉल्व करते हो तो 80 दिन लगेंगे। 50 क्वेश्चन, चलो हम 50 लेके चलते हैं, तो 160 दिन, 5 महीने में तुम ये कवर कर ले जाओगे अगर 50 क्वेश्चन भी डेली करते हो तो। पहला काम ये कर लो। दूसरा काम, मतलब पहले काम के अंदर ये पार्ट है सिर्फ इंग्लिश में। इंग्लिश में बस कोशिश ये कर लो, 10 मैगजीन पढ़ लो, 10 मैगजीन पढ़ लो, ध्यान रखना 10 मैगजीन पढ़ लो और 100 पेपर सॉल्व कर लो, बस 100 पेपर सॉल्व कर लो। प्रीवियस ईयर पेपर इंग्लिश के जो भी आते हो, MTS के, CHSL के जो भी आते हो, इंग्लिश के 100 पेपर सॉल्व कर लो। किसी भी फॉर्म में सॉल्व करने हो वो 100 पेपर सॉल्व कर लो, इंग्लिश का तुम्हारा काम हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी, हम लिख के दे रहे हैं काम हो जाएगा। लेकिन जो 100 पेपर सॉल्व करोगे ना, अगर उसमें कुछ नहीं आता है तो उसको पढ़ना भी, अगर कोई क्वेश्चन तुम्हारा छूट रहा है, कोई तुम्हें टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है उसके बारे में पढ़ना भी। हम ये नहीं कह रहे कि अगर नहीं आता पीछे देके टीप के कर लिया, नहीं, जो नहीं आता उसको पढ़ना भी पड़ेगा, इतना तो करना पड़ेगा। दूसरा काम, 10 मैगजीन खत्म करो इंग्लिश की और अपने 100 पेपर प्रीवियस ईयर के 100 पेपर सॉल्व कर लो, मिल जाएंगे 100 पेपर, ठीक है। मैथ अगर हम उसकी बात करें, रीजनिंग की, रीजनिंग में बस 5000 पुराने साल के क्वेश्चन लगा लो, 5000, 50 क्वेश्चन का, इसमें 100 भी आराम से लगा लोगे। रीजनिंग है बहुत इजी होती है, पूरे में पूरे नंबर दिलाती है, 50000 क्वेश्चन सॉल्व, 5000 क्वेश्चन सॉल्व कर लो। आखिरी हम जनरल स्टडीज की बात कर रहे हैं, जनरल स्टडीज के भी 5000 पुराने सवाल सॉल्व कर लो। देखो अब तुम कहोगे बहुत ज़्यादा, 5-5, 10-10 हज़ार कर दिया, अगर इतना भी नहीं करोगे तो सिलेक्शन तो भूल ही जाओ फिर। 5000 GS के सिर्फ तुम्हें पढ़ने तो है, अगर डेली तुम 100 करते हो, 100 तो एकदम यार 1-2 घंटे में 100 हो जाएंगे, तुम 150-200 भी करते हो डेली बेसिस पे, 30-50 दिन के ऊपर का काम नहीं है, तो 5000 इसके, 5000 इसके, 8000 इसके, 5000 लगभग इसमें, लगभग दो टोटल टोटल 20-22 हज़ार क्वेश्चन अगर ये सॉल्व कर लेते हो 6 महीने के अंदर, सिलेबस 3 महीने में ख़त्म करने के बाद, तुम यकीन मानो तुम्हारा सिलेक्शन तुमसे कोई नहीं छीनेगा। ये बात है SSC की, ये जादू SSC का, जादू भी नहीं कहेंगे, यही एक फंडा SSC को क्रैक करने का। राम राम, जय हिंद।